आज की स्पेशल रिपोर्ट में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वाइल्ड लाइफ की निगरानी के लिए लगाए गए कैमरा से महिलाओं की निजता का उल्लंघन का मामला सामने आया है और ये दावा है कि इस पर रिसर्च करने वाली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्थानीय लोगों का इंटरव्यू किया गया था। इंटरव्यू देने वाली मुख्य रूप से आसपास के गाँव की महिलाएं ही थी। मामला महिलाओं की निजता से जुड़ा है, सरकारी तौर पर इनकार भी किया जा रहा है, लेकिन जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। हमारा कतई कोई भी इस प्रकार का मंशा नहीं होता है कि हमने किसी निजता के ऊपर बात करें, तो मैंने इसलिए इसको बहुत ही गंभीरता से मैंने लिया है, जो रिपोर्ट हमारे पास आ रखा है। और मैंने अभी डायरेक्टर साहब को भी मैंने कल भी कहा था, उन्होंने एक जांच ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं और जांच में जो चीज पाया जाएगा हमने गांव लोगों को भी पूछेंगे, उनको कॉन्फिडेंस में भी लेंगे। दरअसल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने 14 महीनों तक उत्तर भारत के नेशनल पार्क के आसपास रिसर्च किया। टीम ने 270 स्थानीय लोगों का इंटरव्यू किया जिसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा थी। इसमें ये बातें सामने आई कि जानवरों की निगरानी के लिए लगाए गए कैमरा ट्रैप और ड्रोन की वजह से महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा था। आज के दायरा में आएगा कि उन्होंने जो दावा कर रहे हैं वो कितने सच है, तो उसको डायरेक्टर के लेवल पे इसको जांच करने के लिए हमने आदेश ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अभी हमने इंतजार करते हैं कि जांच का रिपोर्ट क्या आएगा। इसको पूरा का पूरा सारे जितने सारे पहलू होंगे सभी को हमने साथ में लेते हुए और लोकल लोगों का कॉन्फिडेंस को लेते हुए इस जांच को हमने पूरा करेंगे। ये जांच के बाद ही साफ हो सकेगा कि रिसर्च में कितनी सच्चाई है। वैसे इस तरह की घटनाएं कई तरह के सवाल खड़े कर देती है, क्योंकि जंगलों के आसपास रहने वाले ग्रामीण वन विभाग की आंख और कान होते हैं। देहरादून से NDTV इंडिया के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट।